दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आमना सामना होता है। दोनों नेताओं के बीच अभिवादन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। दरअसल इस वीडियो में जैसे ही कमरे में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रवेश करते हैं, सभी मुख्यमंत्री उठकर खड़े हो जाते हैं और दोनों नेताओं का अभिवादन करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को तो मुस्कुराते हुए नमस्ते करते दिखते हैं, लेकिन अमित शाह को अभिवादन करते नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा नेताओं पर तंज कसा है। हालांकि इस वीडियो के जवाब में कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि यह पूरा खेल कैमरे के एंगल का है। जब योगी ने मोदी और अमित शाह का अभिवादन किया, वह हिस्सा वीडियो में नहीं दिख पाया। बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब सदन में मुख्यमंत्री योगी पहुंचे तो अलग ही नजारा देखने को मिला। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में संगठन बनाम सरकार की जो चर्चा चल रही थी, उसके उलट विधायक मुख्यमंत्री के आसपास दिखने की कोशिश करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही सदन में पहुंचे, तमाम नेता और मंत्री उनके पास पहुंचकर अभिवादन करते दिखे। इस दौरान कई विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के पांव छूते भी नजर आए। बता दें कि यूपी बीजेपी में पिछले दिनों संगठन बनाम सरकार का मामला गरमाया रहा। योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की डिबेट बहुत जोरों शोरों से जारी रही, उसकी एक वानगी देखी। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सर हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, सात कालिदास मार का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राजीव ने तो हमारे किसान मोर्चा के आश्रय दल जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले नाम है। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है, उनसे कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। लेकिन लगता है कि दिल्ली की बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान ने यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच के विवाद को सुलझा दिया है। इस बैठक के बाद लखनऊ में तीनों नेताओं की बॉन्डिंग शानदार नजर आई, जिसका नजारा आज विधानसभा में भी देखने को मिला। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।